भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से Hi everyone, this is Roy from Studio 9. आज का वीडियो एकदम FL Studio Beginners के लिए है. आज के क्विक वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप कराओके के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं बहुत ही इजीली. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको जो चीज करना है FL Studio में, अगर आप बिल्कुल नया हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में. दिस इज द बटन और ये है प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. तो आपको क्या करना है, आपके पास जो कराओके फाइल है वो वेव फाइल हो सकता है या फिर MP3 फाइल हो सकता है, उसको आप पहले लेके आइए. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा वेव फाइल है, इसको मैं बिल्कुल यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ. यहाँ से अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे ऐसा एक फाइल क्रिएट करके दे देगा. अगर आपके पास कोई भी MP3 फाइल है वो भी चल सकता है यहाँ पे. तो आप सुन सकते हैं ये जो कराओके हैं, इट साउंड करता है कुछ ऐसा, विच इज अ वेरी फेमस सॉन्ग. अभी देखिए नीचे जो मिक्सर है ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको इस बटन में यहाँ पे क्लिक करना होगा. तो अभी देखिए मुझे बस दो ट्रैक यूज करना है. ये सारे जो है ना यहाँ पे, ये सारे ट्रैक्स हैं, तो मैंने यहाँ पे रिनेम करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिनेम करके मैंने इसको कराओके नाम दे के रखा है. तो इसको मुझे करना क्या है बेसिकली कि इसको मुझे ये जो दो मिक्सर चैनल है, पहले के दो मिक्सर चैनल हैं, इसके साथ लिंक करना है. अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो उसको हम उसका जो साउंड है प्रॉपरली मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे. तो क्या करना है, कराओके यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ट्रैक मोड, ट्रैक मोड में मुझे जाना है ऑडियो ट्रैक. यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो ट्रैक है कराओके, ये मैंने कर दिया. तो अभी मैं जब भी प्ले करूंगा आप देखिए यहाँ पे ये जो मीटर है ना ये दिखेगा आपको. और दूसरा जो वोकल ट्रैक है जहां पे आप वोकल को इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल का रिकॉर्ड किया हुआ वोकल है या फिर कहीं पे भी है, या फिर आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको इस 3 नंबर के ट्रैक से बताता हूँ, और जो मिक्सिंग है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सबसे पहले अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो बेसिकली करना क्या है, आपको कोई भी एक ट्रैक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक और ट्रैक मोड जाना है. ऑडियो ट्रैक कोई भी ले लीजिए आप, चलिए मान लीजिए 3 ले लेता हूँ मैं. तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर का ट्रैक है इसके साथ ये लिंक हो चुका है. अभी आपका जो माइक्रोफोन है वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, USB माइक्रोफोन है या फिर ऑडियो इंटरफेस अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उसका इनपुट सिलेक्ट कर लीजिए. आप देखिए यहाँ पे In1 In2 है, मतलब मेरा जो यहाँ पे ऑडियो इंटरफेस है उसका 2 इनपुट है, 1 2, या फिर माइक कुछ USB माइक में आपको 1 2 दो इनपुट मिलेगा, तो आपको 1 सिलेक्ट कर. तो जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका फीडबैक आ रहा है. तो इसको मॉनिटर में ऑफ कर सकता हूँ या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आपको ये ट्रैक सुनते हुए गाना है. इनिशियली बिगिनर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो सोचते हैं कि हम लोग ऐसे ही गा देंगे, बाद में उसको मिक्स किया जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आपको अगर कोई भी गाना कराओके के साथ गाना है, ट्रैक में प्रॉपरली बिठाना है, तो ऑब्वियसली उसको आप प्रॉपरली कराओके के साथ सुन के गाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सुर इधर जाएगा, ताल उधर जाएगी, और इसको मिक्स में ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. तो आपको एक दो बार रिहर्स करना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ से मुझे पकड़ना है, कहाँ पे मुझे छोड़ना है, कितने लाइंस कितनी बार हैं, वो सब कुछ देखना है, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन है यहाँ पे रेड बटन, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियो इंटू प्लेलिस्ट एज एन ऑडियो क्लिप सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं ये आपको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा. ऐसे आप पूरा गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं. अभी देखिए ये जो ट्रैक है ये आपको हेडफोन में सुनना पड़ेगा. अगर आप हेडफोन में नहीं सुनते हैं, अगर आप ऐसे ही बज रहा है और सुनते हैं, तो क्या होगा, आपका जो वोकल रिकॉर्डिंग है वो वोकल रिकॉर्डिंग नहीं रह जाएगी, उसमें सारे जो ट्रैक्स हैं कराओके ट्रैक का जो नॉइस है वो सब कुछ आ जाएगा और उसको फिर वोकल से अलग कर पाना मुश्किल हो जाएगा. तो आपको वैसा नहीं करना है, आपका जो वोकल है उसको प्ले करना है और इसमें रिकॉर्ड करना है.
अगर आपको रिटेक करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे एक चैनल पे मूव करना है, ऐसे मूव करके उसको म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद आप वापस वही चैनल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया, अभी मान लीजिए मेरा वोकल रिकॉर्ड हो चुका है, यहाँ पे मेरा वोकल आ चुका है, अभी रिकॉर्ड बटन का आप ऑफ कर देंगे और इसको प्ले करके सुन सकते हैं कि टाइमिंग सब कुछ सही हुआ है कि नहीं। अभी ये जो वोकल है थोड़ा सा प्रोसेस किया हुआ है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसेसिंग टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आपको बेसिकली अभी करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि ये टाइमिंग इसका प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। अगर टाइमिंग थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, तो आप इसको जूम कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऊपर में भी पकड़ के आप जूम कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा आपको इधर उधर मूव करना है। अगर कहीं पे उल्टा पुल्टा हुआ है तो आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ऑल्ट पकड़ के मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, तो इसको ऐसे आप मूव कर सकते हैं। फिर कहीं पे अगर थोड़ा सा गलत हुआ है आप ऐसे करके देख सकते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे लेके दे सकते हैं। अगर ठीक ठाक हो रहा है तो आपको वैसे वो छोड़ना है। फिर ये हो जाने के बाद आता है मिक्सिंग। सो मिक्सिंग के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल मिक्सिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। मिक्सिंग में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं मेरे चैनल पे, आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये दो ट्रैक हैं, एक कराओके ट्रैक है और दूसरा मेरा वोकल ट्रैक है, ये वाला। इसको मैं नामकरण कर देता हूँ, रीनेम कलर आइकॉन और यहाँ पे वोकल्स। अभी जो दो सोर्स हैं, एक है मेरा कराओके, दूसरा है मेरा वोकल्स, अलग अलग हैं। अगर मैं इसको सोलो करना चाहता हूँ, इसमें राइट क्लिक करूंगा मैं, तो ये सिर्फ वोलो सोकल्स, और अगर मुझे सिर्फ कराओके सुनना है तो यहाँ पे आ रहा है। अभी मिक्सिंग का जो मेन फंडा है वो ये है कि सारे जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्लटर नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली एक दूसरे के लिए स्पेस बनाना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि कराओके में मैं एक पैरामेट्रिक इक्यू लूंगा, सिलेक्ट, यहाँ पे जाऊँगा मैं, वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे स्लॉट वन क्लिक किया मैं, सिलेक्ट, यहाँ पे देखिए पैरामेट्रिक इक्यू टू, ये मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, जो कुछ फ्रीक्वेंसीज वोकल के लिए अच्छे हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज कराओके के लिए अच्छे हैं। तो मुझे बस क्या करना है, आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं मेरे से, कि वोकल जहाँ पे है वो वाला पार्ट मुझे वहाँ पे स्पेस बनाना है। तो यहाँ पे जनरली वन के आसपास मेरा वोकल रहता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा। तो यहाँ पे बस आपको एक स्पेस क्रिएट करना है ताकि आपका वोकल प्रॉपरली फिट इन हो सके। अगर आपका थोड़ा सा बेस हेवी वॉइस है तो आप थोड़ा सा इसको इधर ला सकते हैं, अगर कोई फीमेल है या ट्रिबल हैवी वॉइस है तो आप थोड़ा सा और इसको इधर ला सकते हैं, लेकिन स्वीट स्पॉट जो है वो 1K के अराउंड है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको घटा सकते हैं। अभी जाना है वोकल्स में। अभी वोकल मिक्सिंग एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको अलग से वीडियोस में मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सिंपली वोकल मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दो तीन पे टेक्निक्स बताऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्लगइन आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है नेक्टर, आइसोटोप का प्लगइन है, यहाँ पे देखिए नेक्टर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है नेक्टर, यहाँ पे आपको क्या करना है, वोकल असिस्टेंट में जाना है और इसको आप असिस्ट में सेट करिए, नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट करना होगा, और फिर ये प्ले करने के लिए बोल रहा है जो ऑडियो है, तो आपको बस यहाँ पे वोकल सिलेक्ट करके प्ले करना है। तो ये काम कर रहा है और ऑटोमेटिकली आपका जो वोकल है ये मिक्स करके दे देगा आपको। बस आपको अभी एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे इफेक्ट्स हैं इसने ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप रिवर्ब को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं जो आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, बस आपको कुछ और नहीं चाहिए। फाइनली आपको जो वॉल्यूम है वो आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है कराओके का वॉल्यूम, एक है वोकल का वॉल्यूम, ज़्यादा कम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वोकल हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों के वॉल्यूम में बैलेंस होना चाहिए। ये बहुत कम हो गया, और मान लीजिए अगर आपके पास नेक्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, FL Studio के स्टॉक प्लगइन के साथ आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं। आपको बस ये चैनल सिलेक्ट करना है, नेक्टर को मैंने ऑफ कर दिया, अभी यहाँ पे आना है आपको, कोई भी एक स्लॉट में आप
एक EQ लीजिए पहले, दिस इज द EQ, पैरामेट्रिक EQ 2। अभी यहां पे आइए, ये वाले जो एरो आपको दिख रहा है यहां पे क्लिक करिए, प्रीसेट्स, यहां पे देखिए वोकल प्रेजेंस करके एक प्रीसेट है, आपको ये सिलेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाता है। अभी इसके बाद EQ के बाद आपको बस सिलेक्ट करना है फ्रूटी मल्टीबैंड कंप्रेसर। फ्रूटी मल्टीबैंड कंप्रेसर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पे सेम वे आपको प्रीसेट्स में जाना है और यहां पे वोकल का एक प्रीसेट दिया हुआ है, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। बस जैसे ही आप क्लिक करते हैं, बहुत अच्छा एक शाइनी और कंप्रेशन आपके वोकल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको बस ऐड करना है एक रिवर्ब। अभी यहाँ पे सिलेक्ट करिए और लेट मी सिलेक्ट द, वेयर इज द रिवर्ब, ये वाला देखिए रिवर्ब 2, बस ये आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे अगर आप आते हैं प्रेसेट्स में जाइए, यहाँ पे लार्ज हॉल करके एक प्रेसेट दिख रहा होगा, आपको ये सिलेक्ट करना है। और ये जो वेट सेटिंग है यहाँ पे, इसको आपको बहुत कम रखना है, अराउंड 20%। तो बस ये अगर कर लेते हैं आप, तो आपका जो वोकल का एकदम बेसिक जो मिक्सिंग है वो हो जाएगा। नाउ ये जो मास्टर ट्रैक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मास्टरिंग करना है। मास्टरिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, खास करके बिगिनर्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये जो आइकॉन यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्लिक करिए, फाइल में जाइए, यहाँ पे देखिए एक जनरल पर्पस मास्टरिंग करके लिखा हुआ है, बस इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं, बैंग, सारे जो इफेक्ट्स हैं आपके पास आ गए हैं, आपको और कुछ भी नहीं करना है, तो आपका मास्टरिंग हो गया ट्रैक। ये अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वापस जा सकते हैं, फाइल जनरल पर्पस मास्टरिंग 4, ये जनरल पर्पस मास्टरिंग 2, ये सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जो स्टीरियो एनहेंसर है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। वोकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं और थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। ये था एकदम सिंपल कराओके मिक्सिंग प्रोसेस है वो। अभी इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको जाना पड़ेगा फाइल एक्सपोर्ट, यहाँ पे वेब फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर शेयर अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो MP3 फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। MP3 फाइल में आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, फिर इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको मैक्सिमम बिट रेट सिलेक्ट करना है, दैट इज 320 kbps। ऑब्वियसली अगर आप करना चाहते हैं MP3 एक्सपोर्ट, तो ये सिलेक्ट करिए। इसके बाद HQ फॉर ऑल प्लगइन्स, और यहाँ पे बस और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जैसा है आप वैसा ही कॉपी कर सकते हैं, आपको बस स्टार्ट कर देना है, तो आपका जो ये गाना है ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा विथ द ट्रैक एंड ऑल द इफेक्ट्स, ये तैयार होके आपके पास आ जाएगा। सुन सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे DAWs के ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, Studio One, FL Studio, Cubase, बहुत सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे, कीबोर्ड प्लेइंग के ऊपर, म्यूजिक थ्योरी के ऊपर, सॉन्ग अरेंजमेंट के ऊपर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप जरूर इसको चेकआउट करिए। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो आप जा सकते हैं studio9musicproduction.com पे, यहाँ पे अगर S9 Academy पेज में आप जाते हैं तो कोर्स रिलेटेड जितने सारे डिटेल्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव क्लासेस सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्रिटिसिज्म है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारा कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं और उन्हीं को देख के मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने की प्लान करता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड।